नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज नीट का 2011 का सवाल है क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पॉइंट टू पाए सेकेंड्स एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी तो अपने को दिया हुआ है कि अपना कॉन्स्टेंट uh, स्पीड का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है और इस केस में अपने को दिया हुआ है रेडियस है फाइव सेंटीमीटर टाइम पीरियड है रेडियस अपने को दिया हुआ है फाइव सेंटीमीटर और टाइम पीरियड है जीरो पॉइंट टू पाई सेकेंड्स ये अपना टाइम पीरियड है हमें बताना है उसका एक्सलेशन क्या होगा नाउ यूजिंग दिस डेटा वी कैन से ओमेगा वी कैन राइट एज टू पाई बाय टी ओमेगा हम ऐसे लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सोलेशन ए सी विल भी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ये वैल्यू यूज करके वी कैन राइट टू पाई डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट टू पाए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर विच इज फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दावर माइनस टू अभी ऐसा यूनिट में आ गया नाउ नाउ इफ यू यूज दिस पाई विल गेट कैंसल नीचे आ जाएगा पॉइंट वन ऊपर जाके पॉइंट टेन बन जाएगा स्क्वायर टू एंड दिस विल गेट कैंसल सो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट ए सी इज इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नाउ यूजुअली ये जो अपना एक्सेलेशन आया ये है ये सेंटिपिटल एक्सलेशन है यूजुअली अगर आपसे नेट एक्सलेशन पूछा जाए तो नेट एक्सलेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ उसी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर नाउ इस केस में हमें दिया हुआ है कॉन्स्टेंट स्पीड है जिसका मतलब ये है कि ए टी की वैल्यू जीरो होगी यानी कि ए नेट विल बी इक्वल टू फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो इसी को हम अपना एक्सेलेशन बोल सकते हैं सो ऑप्शन नंबर ए would be the right answer for this particular problem.